ऑफ अकाउंटिंग, इसमें देखा जाए तो 44 टर्म्स एक है, जैसे एबीसी जानने के बाद ही आप लोग इंग्लिश लिख सकते हो, उसी प्रकार अकाउंट को समझने के लिए और लिखने के लिए इसके टर्म्स जानना जरूरी है। देयर आर 44 मेन टर्म्स गिवन इन द अकाउंटिंग लैंग्वेज। तो वन नंबर फर्स्ट डिस्कस बिजनेस ट्रांजैक्शंस। किसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस? फर्स्ट वी सी द डेफिनेशंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर persons in the form of cash or credit। जब कोई इंसान किसी से अपने गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करता है by cash or credit, that type of transactions we call as a business transaction। सबसे पहले business transactions होने के बाद ही तुम्हारा profit और loss की शुरुआत होती है। business transaction is always on the economy। जिस transactions में कैश की बात नहीं होती है उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए कैश होना कंपलसरी है, आइदर यू गिव द कैश और यू गिव ऑन द गुड्स ऑन क्रेडिट। आगे देखते हैं पॉइंट टू, इवेंट। इवेंट किसे कहते हैं? इवेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंसिडेंस। कोई भी इंसिडेंस को क्या कहते हैं? इवेंट। आज ऐसा इवेंट हुआ बिजनेस। Event is the situation or result created from the transactions. When you do any type of transaction in the business, that transactions forms the event. Events are always happening in the business. जिससे मालूम पड़ता है कौन सा event कब हुआ, किसके बारे में हुआ था, ये चीज हम यहाँ से जान सकते हैं। Third, capital, main thing of the business. An investment made by the owner to commence the business is known as capital. You are knowing that without capital you cannot start the business. कोई भी एक business चालू करने के लिए शायद सबसे छोटा business हो या सबसे बड़ा business हो, you need the finance. So whatever the amount bring by the owner to start the business is known as capital. So it is the lifeline of the business. जितना capital ज्यादा होगा इतना बिजनेस आराम से कर पाएंगे, उसको एक्सपांड कर पाएंगे और उसका एडवांटेज ले सकते हैं। पर जब भी हमें कैपिटल की होगी शॉर्टेज, यू कैन नॉट डू बिजनेस स्मूथली इन द मार्केट, बिकॉज एट एवरी लेवल एवरी सिचुएशन एंड फेस इन द मार्केट यू नीड द हेल्प ऑफ कैपिटल ओनली। कैपिटल जितनी ज्यादा होगी हम बिजनेस को उतना एक्सपांड कर पाएंगे, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ला पाएंगे। व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू एक्सपांड द बिजनेस, फॉर ऑल दिस थिंग्स द बेस इज योर कैपिटल। ओके, नाउ डिस्कस पॉइंट नंबर 4, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसे कहते हैं? व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विथड्रॉस एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस, मींस कैश, गुड्स और फॉर पर्सनल पर्पस, दिस इज नोन एज ड्रॉइंग। जब बिजनेस में से ऑनर कोई भी कैश या गुड्स विड्रॉ करता है तो अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। क्योंकि जो भी इंसान बिजनेस कर रहा है उसके पीछे उसका एक फैमिली होता है, फैमिली में कई सारे एक्सपेंस होते हैं। टू मीट दिस एक्सपेंस दे नीड द मनी, दे नीड द गुड्स। सो व्हाट एवर द अमाउंट for the goods withdrawn from the business for personal use is termed as drawing. One thing, be careful how much you withdraw the amount as a form of drawing reduces your capital. So always minimize the drawing to maintain the power of capital in the business. Jitna jyada drawing hoga utni capital jaldi hi kam ho jayegi. जितना ड्रॉइंग्स कम से कम रहेगा उतने कैपिटल बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं और उस कैपिटल से हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, बिजनेस को एक्सपांड भी कर सकते हैं। नाउ टॉपिक 5, लायबिलिटी से कहते हैं। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर द क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स एसेट्स और अमाउंट पेएबल फॉर द बोरोड मनी इज नोन एज लायबिलिटी। व्हाटएवर we purchase goods, service or any assets from the market on the basis of credit,
At the same time, it's still one duty to pay that amount in future. That is only known as the liabilities. अब यहाँ liability होती है क्योंकि हम पैसे cash पे दे रहे हैं, हम transactions कर रहे हैं, goods ले रहे हैं या कोई assets ले रहे हैं या हम service buy कर रहे हैं. But same time we are not paying the amount, so it is liability for you to pay in the future. यहाँ से देखा जाए तो there are two types of liability. This comes in the point number 6. You can see internal liability and external liability. First we discuss internal liability क्या होती है. See, when owner of the business is providing capital to the business, it becomes the internal liability. Whatever the amount bring by the owner for his business is known as internal liability. यहाँ पूरा पैसा business के owner के द्वारा ही आता है, ना कि किसी पास से आता है. And external liability, when amount payable by the business to the third party for credit purchase of goods, assets or service, or payable amount for borrowed money is known as external liability. In short, we can say that whichever the amount is not paid by the owner, less by all the persons, can be goods, service, cash, whatever, this is all called the external liability. Is prakar se right now we study business transactions, event, capital, drawing, liability, internal liability and external liability.